हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज प्रूफ के बारे में बात किया, जो कि है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरा प्रूफ जो है वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक स्टैंडर्ड एंगल का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, जो कि स्टैंडर्ड वैल्यू भी है स्टैंडर्ड एंगल के लिए। फॉर एग्जांपल, आपको पता होगा साइन जीरो का वैल्यू जीरो होता है, साइन थर्टी का वैल्यू वन बाय टू होता है, लेकिन हम ये जानेंगे हम कैसे उसको फाइंड करते हैं। ये एक छोटा सा ट्रिक है जो कि आपको शायद अच्छा लगे, तो मैं उस ट्रिक के बारे में बात करना चाह रहा हूं, और हम लोग देखेंगे कैसे अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू फाइंड करते हैं, जो कि हमारा स्टैंडर्ड एंगल है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो हम बात करते हैं इस वैल्यू के बारे में, तो हम छोटा सा ट्रिक करेंगे। हम सिंपली राइट कर रहे हैं 0, 1, 2, 3, 4 और हम डिवाइड कर रहे हैं 4। ये ट्रिक है जो कि आप माइंड में रख सकते हैं। मैंने क्या किया, 0, 1, 2, 3, 4 जस्ट मैंने देखा और डिवाइड बाय 4 किया, और उसके बाद मैं सभी का स्क्वायर रूट निकालूंगा। जो वैल्यू होगा वो साइन का वैल्यू होगा। तो हम फाइंड करते हैं 0/4 जीरो होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 0 जीरो होगा, 30 डिग्री का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 होगा। हम इसको कैंसिल कर सकते हैं 1/2, स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 हम एज इट इज रख रहे हैं जो कि 1/√2 है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 एज इट इज रहेगा, और 4 जो है उसको 2 होगा, और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 होगा। तो ये आप देख रहे हैं साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। और हम कॉस के बारे में बात करेंगे। कॉस जो है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन है, या फिर वाइस वर्सा कर सकते हैं, साइन जो है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ कोसाइन और कोसाइन कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन का है। तो कॉम्प्लीमेंट्री इन द सेंस सम ऑफ टू एंगल्स हैज टू बी 90 डिग्री। तो कॉस 0 का वैल्यू होगा 0 प्लस 90 होता है, तो कॉस 90 साइन 90 का वैल्यू कॉस 0 के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री 0 प्लस 90 होता है, टू एंगल को हम ऐड कर रहे हैं तो 90 डिग्री होता है। ना 30 डिग्री का वैल्यू साइन का 30 डिग्री का वैल्यू कॉस के 60 डिग्री के वैल्यू के बराबर होगा, क्योंकि 30 प्लस 60 90 होता है। सिमिलरली 45 का 45 प्लस 45 90 होता है, 30 अगेन 60 का आएगा और 90 का 0 होगा। आप ये भी देख सकते हैं कि जस्ट मैंने रेसिप्रोकेट किया, मतलब साइन 90 का वैल्यू कॉस 0 का लिखा, साइन 60 का वैल्यू कॉस 30 के बराबर लिखा, और साइन 45 डिग्री का वैल्यू कॉस 45 का बराबर लिखा, और कॉस 60 का वैल्यू साइन 30 डिग्री के बराबर लिखा, और साइन 0 का वैल्यू कॉस 90 के बराबर लिखा। अब हम बात करेंगे टैन का। टैन थीटा हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, जो कि एक रेशियो है साइन और कॉस का। तो हम जस्ट डिवाइड करेंगे और टैन का वैल्यू निकालेंगे। सो 0/1 जीरो होता है, 1/2 √3/2 2 गेट्स कैंसिल, सो 1/√3 आएगा, 1/√2 1/√2 तो 1 होगा, √3/2 1/2 2 गेट्स कैंसिल अगेन √3 आएगा, और 1/0 अनडिफाइंड होगा। कॉसेक जो होता है साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा और कॉसेक थीटा विल बी इक्वल टू 1/sin थीटा। जिस रेसिप्रोकेट करेंगे 0/1, सो 1/0 अनडिफाइंड होगा, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 होगा, ये √2 होगा, 2/√3 होगा, और ये 1/1 है तो 1 ही होगा।
सेक जो है cos थीटा इक्वल टू 1 बाय sec थीटा और sec थीटा यहां से निकलेगा 1 बाय cos थीटा. सो 1 बाय cos थीटा मतलब cos का रेसिप्रोकल निकाल लेते हैं. सो 1 बाय 1 1 2 बाय √3 root 2 by 1 so root root 2 2 or 0 by 1 75. आप ये भी देख सकते हैं कि जो sec का और sec और cosec का cosec 90 डिग्री का वैल्यू sec 0 डिग्री के बराबर होगा क्योंकि sec और cosec जो है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर. cot जो है cos by sin और 1 by 10 कर सकते हैं. सो हम 1 बाय 10 कर लेते हैं. 1 बाय 0 अनडिफाइन रूट 3 1 1 बाय रूट 3 और इन्फिनिटी बाय 1 तो 1 बाय इन्फिनिटी जो होता है 0 होता है. सो 1 बाय इन्फिनिटी वैल्यू 0 होता है. 1 बाय 0 अनफिनिटी होता है. तो ये एक टेबल है जो कि इजीली आप फाइंड कर सकते हैं विदाउट मगअपिंग एनीथिंग. होप यू लाइक दिस वीडियो. प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल. And if you have any doubts, you can write in the comment box. Thank you.